हाय गाइस, आज देखिए हॉस्टल में जो है आज मैगी बनने जा रही है। प्याज वाली मैगी बनेगी। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं मैगी को। पहले जो है सबसे पहले प्याज व्याज काटते हैं। प्याज कट गई, मिर्च कट, ये मिर्च कट गई, आलू आलू देखिए छिल रहा है। देखिए सब धुल धुल के आ चुका है, अब हम काटने जा रहे हैं। तो चलो भाई काटते हैं। 2 मिनट्स मैगी को बनाते हैं, 20 मिनट्स मैगी। तो चलिए भाई सबसे पहले प्याज काटते हैं। प्याज कट चुका है। देखिए प्याज व्याज कट के जो है सब रेडी हो चुका है। मिर्च कट गई, प्याज कट गया है, आलू बाद में काटेंगे। तो अब हम जा रहे हैं भगोना जो है इसको धुलेंगे। धुलने के बाद इसको हीटर पर चढ़ाएंगे और फिर जो है तैयार करेंगे मैगी बनाना। तो ये सब चीज़ें कट चुकी हैं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे देखिए ये हीटर है और अब हम जो है अपना जो है हीटर भगोना देखिए भी कर दिया है। बिस्मिल्लाह करके अब हीटर जलाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने हीटर देखिए हीटर जला दिया है। देखिए हीटर स्टार्ट कर दिया है। देखिए हीटर जो है फाइनली आ गया। आ जा। तो फाइनली हीटर आ गया है। हीटर पे हमने भगोना रख दिया है। रूम है देखिए, ठीक है, इधर रूम है देखिए, इधर तैयार है सब। और इसके बाद हम जो है मैगी का काम शुरू करेंगे। तो ये सब चीज़ें तैयार हैं, बस तेल ये गर्म हो जाए तो फिर तेल डालें। ये फाइनली पानी सूख चुका है, अब हम इसमें तेल डाल रहे हैं। देखिए इसमें पानी सूख चुका है और अब हम तेल डाल रहे हैं। देखिए हमने देखिए तेल इसमें डाल दिया है। देखिए इसमें फाइनली हमने तेल डाल दिया है। तेल हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे मैगी, प्याज डालेंगे सबसे पहले। देखिए हमने इसमें मिर्च और प्याज डाल दिया है। फिलहाल अब मिर्च प्याज डाल दिया है तो इसको चला दीजिए। Thank you.
जाएगा तब आगे का काम शुरू करेंगे। देखिए प्याज जो है वो बहुत हद तक लाल हो चुकी है, देखिए प्याज ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, तो चलिए टमाटर डालते हैं अब इसमें। तो चलिए हम टमाटर उठाते हैं, ये रखा है हमारा टमाटर, तो हमें इसमें प्याज डाल ही दिया है, ये प्याज हो रही है। अब आलू काटना बाकी है, तो फिर इसमें हम जब ये टमाटर हो जाएगा इसमें इसमें फिर हम मसाला डालेंगे, और मसाला डालने के बाद फिर इसमें हम आलू डालेंगे। इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, तब मैगी का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मसाले तो कोई ख़ास है नहीं, ये सब्ज़ी मसाला है, मसाले बिल्कुल नहीं, तो मैगी मसाला डालेंगे और सब्ज़ी मसाला डालेंगे, बाकी कोई मसाला है नहीं इससे। हाँ भाई झाड़ू या नहीं है आज, मसाला है नहीं है, जो सब्ज़ी मसाला था वो हमने डाल दिया है, और जो मैगी का मसाला होगा वो डालेंगे बस, और थोड़ी धनिया रखी हुई है। धनिया का ऐसा कोई काम है नहीं, ये धनिया पाउडर है, तो वो बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, मीटर लगा देते हैं, मीटर निकाल दिया, बहुत तेज़ हो रहा है, तो देखिए मीटर लगा रहे हैं कैसे, मसाला हो गया, फिर इसमें आलू डालेंगे, क्योंकि आलू रख चुका है, मसाला हो जाए, ऊपर से मैगी मसाला डालना है, मसाला हो जाए, ऊपर से पानी डालना है, देखिए बन रही है खतरनाक वाली मैगी, जिसे कहते हैं हॉस्टल वाली मैगी। यार बहुत दिनों बाद बनाया, बाहर का खा खा के थक चुका था, आदत जितनी नहीं रहेगी बाहर के खाने की, तो ज़्यादा था घर में खाता था, आदत जितनी नहीं रहेगी, बाहर का एक हफ्ते खा रहा हूँ, थक चुका था, तो हमने सोचा चलो कुछ आज बना लेते हैं अपने हाथों से। चलिए अब आलू डालते हैं, इसमें पानी डाल के थोड़ा सा आलू डाल, तो देखिए इसमें आलू भी हमने डाल दिया है, आलू भी हमने डाल दिया है, इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, उसको इसमें मैगी डाल देंगे बस, फिर ये अपना स्ट्रैप बन जाएगा। तो देखिए बन रहा है, बंद कर दिया है, थोड़ा सा आलू हो जाए, देखिए मैगी के पैकेट हमने फाड़ लिए हैं, मैगी के पैकेट हैं फाड़ लिए, तो मसाला निकाले मैगी वाला, तो देखिए स्टार्ट हो चुका है बनना, देखिए खोल रहा है, कट कट कर इसमें मैगी डाल रहे हैं, डाल दिया, और दूसरी मैगी डाल दिया, डालेंगे इसमें मैगी मसाला डालेंगे, देखिए मैगी मसाला पड़ रहा है, देखिए मैगी जो है बन के हो गई है तैयार, देखते हैं कैसी बनी है तो खाने पता चलेगा। देखिए बन गई है मैगी, अब इसको हम निकालने जा रहे हैं, थोड़ी निकाली है, थोड़ी बाद में निकाली है, कैसी है टेस्ट में। तो चलो गाइस खा के देखते हैं मैगी कैसी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, अल्टीमेट बनी हुई है, देखिए तो यह है हॉस्टल वाली मैगी, काफ़ी अच्छी बनी है, काफ़ी टेस्टी बनी है, एटलीस्ट भूख तो ख़त्म ही हो जाएगी इसे खा के। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।